उत्तराखंड का गुलाबी शरारा हर किसी की जुबान पर है। देश क्या विदेश तक में लोग इस गाने पर थिरकते नजर आए। हर उम्र के लोगों ने इस गाने पर रील बनाई। इंस्टाग्राम रील हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट, हर कोई गुलाबी शरारा पर ठुमके लगा रहा था। इस सुपर ब्लॉकबस्टर गाने को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर से प्यार मिला। ठुमक ठुमक जब चले छे तू पहाड़ी बटुमा, यही बोल वाला ये ओरिजिनल गाना यूट्यूब से रातों रात अब गायब हो चुका है। सिंगर इंदर आर्या का ये कुमाऊनी गीत यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ व्यूज वाला ये गाना अब यूट्यूब पर नहीं है। अचानक यूट्यूब से इस गाने के गायब होने से फैंस परेशान हैं और इसके पीछे की वजह तो और भी चौंकाने वाली है। अब देखिए, हर कोई ये जानना चाहता है कि 14 करोड़ व्यूज वाले इस गाने को यूट्यूब से आखिर हटाया क्यों गया। एक कॉपीराइट स्ट्राइक, जी हाँ, एक कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से ये सुपरहिट गाना यूट्यूब चैनल से हट चुका है। जानकारी के मुताबिक इस गीत की धुन एक पुराने पहाड़ी गीत से मिलती जुलती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि यूट्यूब का नियम क्या है। YouTube के नियम के मुताबिक अगर कोई वीडियो किसी चैनल के कंटेंट से, वो चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो या फिर वीडियो ऑडियो दोनों हो, उससे मिलता जुलता अगर होता है तो फिर ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर के पास ये अधिकार होता है कि चोरी किए गए या फिर मिलते जुलते हुए वीडियो को YouTube से पूरी तरह हटाया जा सके। और अगर स्ट्राइक की संख्या 3 हो गई तो फिर तो चैनल पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। अब खबर यह है कि इंदर आर्या के गुलाबी शरारा गीत पर उत्तराखंड के एक यूट्यूब चैनल से स्ट्राइक आई है। अब इंदर आर्या के फैंस का ये कहना है कि आखिर 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ व्यूज आने के बाद ही ये एक्शन क्यों लिया गया, क्योंकि एक्शन तो पहले भी लिया जा सकता था। क्या ये इंदर आर्या के फेम को गिराने की कोशिश है या फिर कोई दूसरी वजह है। गाना हटने से दुखी है इंदर आर्या। इंदर आर्या ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी। उन्होंने इस स्टोरी में ये बताया कि एक उत्तराखंड के पुराने बहुत फेमस सिंगर है और उन्हीं के गीत से इसकी धुन मिलती थी। वैसे तो लगभग हर गीत की धुन थोड़ा बहुत किसी न किसी गीत से मिलती ही है, लेकिन इस तरह से गाने को हटाना जायज नहीं है। 140 मिलियन लोगों का जो प्यार पल भर में मिला था वो ढेर हो चुका है। इंदर आर्या ने यूं तो कई पहाड़ी गाने गाए हैं लेकिन ये वाला उनका गाना सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। गुलाबी शरारा ने उनके फेम को काफ़ी बढ़ाया। बताया ये जाता है कि इसी गाने की वजह से यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर उनके फॉलोअर्स की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। गुलाबी शरारा गीत की रचना का किस्सा बहुत रोचक है। इसे कॉर्बेट पार्क के स्वागती कक्ष में संविदा कर्मी गिरीश जीना ने लिखा है। ये गीत भी उन्होंने उस वक्त लिखा जब 5 महीने पहले एक रात उनकी पत्नी आरती ने शरारा दिलाने की मांग कर डाली। उन्होंने पत्नी को शरारा भी दिलाया और गीत को कामयाबी भी मिली। गिरीश जी ना ये बताते हैं कि पत्नी ने भले ही मजाक में शरारा की डिमांड की थी लेकिन ये शरारा शब्द उनके दिमाग में छप गया। पूरे 1 महीने तक उन्होंने इस गीत के लिए मेहनत की और इसी के बाद यंग उत्तराखंड ग्रुप के यूट्यूब चैनल के प्रोड्यूसर जितेंद्र रावत और राज भंडारी को इस गीत को दिखाया गया। दोनों को ये गीत बहुत पसंद आया। जीना ने बताया कि इस गाने का संगीत भी उन्होंने ही तैयार किया और आज इस गीत की सफलता से गिरीश बेहद खुश हैं। इस गीत को गायक इंदर आर्या ने गाया है। और हाँ, गुलाबी शरारा की स्टोरी बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। उत्तराखंड की ऐसी खबरों के लिए आप उत्तराखंड पोस्ट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।